नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निष्फल नेशन देख रहे हैं। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बिहार में। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 39,500 पर पहुंच गई है और ये भयावह तस्वीर बिहार से निकल के सामने आई है। जब हर गुजरते दिन के साथ आंकड़े में भयानक तेजी देखी जा रही है और आज की बात करें तो बीते 24 घंटे में 7,000 से ज़्यादा संक्रमण के जो मामले हैं उसकी पुष्टि हुई है। राजधानी पटना सबसे ऊपर है। बात करते हैं बिहार की तो संक्रमण के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उस वो जो अगर आज 24 घंटों की बात कर लें तो वो 7,870 पर है। पटना में 1,898 पॉजिटिव यानी करीब करीब 1,900 पॉजिटिव मामले मिले हैं। बात करते हैं अररिया की, 71 मामला मिला है। अरवल में 94, औरंगाबाद में 215, बांका में 74, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 322, भोजपुर में 138, बक्सर में 100, दरभंगा में 60, पूर्वी चंपारण में 149, गया में 610, गोपालगंज में 147, जमुई में 103, जहानाबाद में 186, कैमूर में 25, कटिहार में 70, खगड़िया में 31, किशनगंज में 18, लखीसराय में 102, मधेपुरा में 110, मधुबनी में 127, मुंगेर में 255, मुजफ्फरपुर में 541, नालंदा में 109, नवादा में 115, पटना राजधानी जो है सबसे ज़्यादा मामला यहीं पे सामने आए हैं और यहाँ पे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 18,898 की है। जबकि पूर्णिया की बात करें तो 153, रोहतास में 188, सहरसा में 247, समस्तीपुर में 143, सारण में 256, शेखपुरा में 103, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 42, सिवान में 188, सुपौल में 61, वैशाली में 167, पश्चिमी चंपारण में 269 जो कि मामले हैं वो सामने आए हैं। जबकि बिहार के बाहर के लोगों की कुल 37 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुल आंकड़ा जो है 7,870 का है जो कि संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर के बढ़ी है और इसकी संख्या हो गई है 39,497 यानी कि 39497, 40,000 से बस जो है वो 503 मामले कम है। बिहार में भयावह रफ्तार से कोरोना संक्रमण का मामला दिख रहा है। आपको बता दें कि आज ही बिहार में सर्वदलीय बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि बिहार में हर दिन मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब कल यानी कि रविवार के दिन सुबह 10:30-11:30 बजे से जो है वो एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम जिलों के अधिकारियों से बातचीत होगी और अधिकारियों से बातचीत के बाद बिहार में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में कड़े प्रतिबंधों की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है और इसका इशारा भी हो गया। वो नाइट कर्फ्यू होगा, वीकेंड कर्फ्यू होगा या फिर पूरी तरीके से लॉकडाउन ही सरकार करने वाली है। इन तमाम चीज़ों पे नज़र बनी रहेगी हमारी। तमाम अपडेट्स कोरोना को लेकर के जो भी अपडेट्स आएंगे लेकर के हाजिर होंगे आपके लिए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आप 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहनें, क्योंकि कोरोना का मौजूदा जो स्ट्रेन जो लोगों को संक्रमित कर रहा है वो बेकाबू रफ्तार से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।